हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज हम देखने वाले एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ पर जो है टीचिंग की वैकेंसी आ रखी है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के जो स्कूल है, ऑल ओवर इंडिया में 30 स्कूल है, जिसमें जूनियर कॉलेज भी है। और ये स्कूल्स जो है 15 सेंटर में रन होते हैं इंडिया में। तो जो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर लिखे गए हैं सामने आपके, इन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्कूल और कॉलेजेस रन होते हैं। जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो यहाँ पर जो है, जैसा महाराष्ट्र में है कुछ स्कूल, तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु है, फिर उड़ीसा है, झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर तमिलनाडु। तो इन कुछ स्टेट्स में जो है इनकी स्कूल रन होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से पूरी सैलरी और जो भी डिडक्शंस और सारे पे स्केल सब कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो अब हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ वैकेंसी आपको जैसा देखने मिलेंगी, तो टोटल वैकेंसी इसमें 205 वैकेंसी है, 205 वैकेंसी है, जिसमें से आपको 205 में से यहाँ पर जो अपने स्पोर्ट्स की वैकेंसी जो काम की यहाँ पर है, जैसा यहाँ पर PET मेल है और PET फीमेल है, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल। TGT में ये वैकेंसी आ रखी है। फिजिकल एजुकेशन मेल में 9 वैकेंसी है टोटल, उसमें से 6 वैकेंसी जो है UR के लिए रिजर्व्ड है, और साथ ही में 3 वैकेंसी OBC के लिए है। तो ऐसे 9 वैकेंसी जो है मेल के लिए है। और उसके बाद में जो आप देखोगे तो 7 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए, फीमेल में से जो 5 वैकेंसी UR के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और एक OBC के लिए है, और एक साथ में ST कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी यहाँ पे PGT में वैकेंसी है, जैसे सामने देखोगे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट्स की तो अपने चैनल में कोई है नहीं, जो भी है फिजिकल एजुकेशन से ही है। तो अगर कोई है तो आप जो है पूरा PDF जो है डाउनलोड करके आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट आप चेक कर सकते हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको फिजिकल एजुकेशन TGT के बारे में ही पूरा जानकारी दूंगा कि क्या चीज़ है, क्या एज लिमिट रहेंगी, क्या एजुकेशन लगेगा, और फॉर्म कैसे फिल करना है, एग्ज़ाम सेंटर्स क्या रहेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा, सिर्फ TGT फिजिकल एजुकेशन के बारे में, ठीक है। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए, ठीक है। तो हम नीचे चलेंगे, इसके बाद में आपको जैसा क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देखिए, PET मेल और फीमेल के लिए जो है बैचलर डिग्री चाहिए 3 ईयर्स की इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि 12th के बाद में हम BPE या BPES के नाम से करते हैं, 3 साल की होती है 12th के बाद, वो 50 मार्क्स से आपको पास आउट होना चाहिए। तो ये रहने के बाद विदाउट एक्सपीरियंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं एनी स्ट्रीम से, उसके बाद आप BPED करते हो 2 साल का, ठीक है, 2 साल का। अभी तो 2 साल का होता है BPED, और पहले जो BPED होता था वो 1 साल का होता था ग्रेजुएशन के बाद में। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में BPED कर रखा है 1 साल का वो भी चलेगा, और जिन्होंने BPED कर रखा है ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल वाला वो भी चलेगा, ठीक है। आप ध्यान ये रखिएगा, जिस जो BPED आपने किया है वो यूनिवर्सिटी और वो कॉलेज जो है NCTE अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है या नहीं, वो चेक करने के बाद ही आप अप्लाई करना, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। देखिए यहाँ लिखा है पूरा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये जो है BPED के लिए था, जो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होता है, और पहले जो होता था ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का होता था। तो यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन का जो है डाउट क्लियर होगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास सर, मैंने डिप्लोमा किया है, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने NIS डिप्लोमा किया है तो मैं एलिजिबल हो क्या? तो नहीं हो आप। देखो NIS डिप्लोमा कोचिंग में अलग बात है, और ये एजुकेशन, ये TGT का वैकेंसी, ये पढ़ाने के लिए होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अलग बात है। तो आपका जो है BPE चाहिए या BPED चाहिए या MPED चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अब यहाँ बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखिए, यहाँ पर TGT की बात करेंगे। एज लिमिट आप TGT में देखोगे तो
जनरल कैटेगरी के लिए 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई वुमेंस कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी उम्र में। अगर कोई मेल फीमेल एससी एसटी से अप्लाई करता है तो 5 साल की छूट मिलेंगी, और ओबीसी से अप्लाई कर रहे हो आप तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएंगी। यदि कोई मेरा दोस्त भाई जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है फ़िलहाल में, आर्म फोर्स में, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कहीं पे कर रहे हो आप और आपका 3 साल से ज़्यादा सर्विस हो चुका है, तो आप जो है एनओसी लेकर के अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने बीपीएड की कर रखी है तो 3 साल का सर्विस होना चाहिए, साथ में एनओसी चाहिए आपके, तो आप जो है इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो एनओसी लगा करके, और आपको भी उम्र में छूट मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट 5 ईयर्स फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट में जो है आपको 5 साल की छूट मिलेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड को। कोई भी इसमें आप काम करो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, अगर आपका 3 साल सर्विस हो गया और आपके पास बीपीएड का डिग्री है, बीपीई है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। निश्चिंत होकर के अप्लाई करिए, सिर्फ आपने जो है एनओसी लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका एज लिमिट। अभी आगे हम बताएंगे आपको अप्लीकेशन फ़ीस, जो आप ऑनलाइन देखो, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन है, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर जो है आपको जनरल कैटेगरी के लिए जो है 750 रुपये फ़ीस लगेंगी, ठीक है, नॉन रिफंडेबल रहेगी ये फ़ीस। और जो वुमेंस कैंडिडेट है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। वुमेंस कैंडिडेट यानी जनरल की वुमेंस कैंडिडेट के लिए भी फ़ीस नहीं है, ओबीसी की भी, एससी एसटी के भी, ठीक है। अब बॉयज़ की बात आती है तो बॉयज़ एससी एसटी की बॉयज़ जो रहेंगे एससी एसटी, इनको फ़ीस नहीं लगेंगी। पीडब्ल्यूडी जो रहेगा हैंडीकैप, चाहे वो जनरल से आए किसी भी कास्ट से आए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई फ़ीस नहीं लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ आपका फ़ीस का मैटर भी जो है आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। इम्पोर्टेंट डेट्स में देखिए, आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 12 जून 2022, इसकी लास्ट डेट रहेगी। और एग्ज़ाम डेट इन्होंने अभी यहाँ पर कोई डेट नहीं दी है, और जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो अपने ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, तो वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। तो वो वाला ग्रुप आप जो है ज्वाइन करके ग्रुप में जुड़ जाओगे तो मैं एडमिट कार्ड जब आएगा तब आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती है एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो एग्ज़ाम सेंटर्स देखिए यहाँ पर मुंबई है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, तो ये एग्ज़ाम सेंटर्स है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसी सेंटर में आपका एग्ज़ाम होगा। और जो भी है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस पे, तो जो भी है तैयारी करिएगा इसकी। और जिसने भी हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा था असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर का, उसका वीडियो भी आपको आई बटन में और इन स्क्रीन में मिल जाएगा लास्ट में, वो भी वीडियो देखिए। उसमें भी अगर कोई एनआईएस कोच इस वीडियो को देखता है तो वो वैकेंसी देखिए, आपको उसमें जो है अच्छा खासा वहाँ पे कंपटीशन कम देखने मिलेगा। यहाँ पर जो है विदाउट एक्सपीरियंस है, वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लगेंगे तो वहाँ पे बहुत कम एप्लीकेशंस आते हैं, तो आप वो भी वैकेंसी देखिएगा। और अगर फ्रेशर हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप बताता हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसा ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, और बाकी तो कुछ है नहीं ग्रुप में ऐसा, तो इसको ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बढ़िया, आप वहाँ से जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जैसा आपको ग्रुप दिख जाएगा, ये ग्रुप है हमारा, और सही समय पर आपको सारे मैसेजेज यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप को जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से जा करके भी आप ग्रुप को जुड़ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको पता चले स्पोर्ट्स की वैकेंसी के बारे में, और जो भी वैकेंसी आती रहेंगी हमारे चैनल पर आपको सही समय पर मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।